रिसेंटली पीएम मोदी ने लॉन्च किया है 11,000 करोड़ का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन पूछूंगा। हिमाचल प्रदेश किस आर्टिकल के तहत एक स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त करता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। पीएम मोदी ने यहाँ पे 11,000 करोड़ का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च करने के अलावा एक हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भी किया, जिसका इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करीब वहाँ की इकोनॉमी को पे यानी हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे करीब 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन्वेस्टर के द्वारा। बाकी जो 11,000 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया उसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 7,000 करोड़ का है रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है पिछले 3 दशक से रुका हुआ था, इस प्रोजेक्ट को फाइनली इसको मंजूरी मिल गई है और इस पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट बिल्ड किया जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा हिल स्टेशन को, और उसके अलावा 500 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर सप्लाई करेगा राजधानी दिल्ली को। सेकेंड जो प्रोजेक्ट है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि 210 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वो बिल्ड किया जाएगा 1800 करोड़ की लागत से और उससे करीब 750 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर जनरेट की जाएगी। तीसरा जो पावर प्रोजेक्ट है धावला सीध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये पावर प्रोजेक्ट 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट बिल्ड किया जाएगा जिसकी कॉस्ट रहेगी 680 करोड़ और इसे 300 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर जनरेट की जाएगी। और जो चौथा है वो 2,080 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के द्वारा 380 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर जनरेट की जाएगी और इससे स्टेट को करीब 120 करोड़ एनुअली प्रॉफिट जनरेट करके देगा ये। चूंकि हिमाचल प्रदेश एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है, इसके थ्रू इसके लिए सेंटर इसका 90% जो मनी वो ग्रांट के रूप में देगा और 10% एज ए लोन देगा।